हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई जिंदगी में। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। तो ये GS3 में आता है। तो ये क्वेश्चन है कि पेस्टिसाइड पॉल्यूशन जो है एक मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है इंडिया के लिए, और जो इसका फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करना है कि इनुमरेट करना है वेरियस सोर्सेस ऑफ पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। तो डिफरेंट साइड जो सोर्सेस है पेस्टिसाइड पॉल्यूशन का उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि 1% आपको समझाने का कोशिश करूं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC हो गया या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद होगा। आप 1% समझने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। तो एग्रीकल्चर भारत में लार्ज डिपेंड करता है केमिकल, और वो इंक्लूड करता है पेस्टिसाइड्स और उसके यूजेस में, और उसका जो ह्यूज इम्पैक्ट है हेल्थ में ह्यूमंस का, एनिमल्स का, बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट का। 2015 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड के तहत 7672 केसेस पॉइजनिंग के दर्ज हुए थे ड्यू टू एक्सीडेंशियल इनटेक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। उसमें से 7660 मर चुके थे। पेस्टिसाइड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया थ्रू इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत, और जो इंसेक्टिसाइड्स रूल है 1971 का वो एक्सपीरियंस करवाता है, एडमिनिस्टर करवाना है। जो लास्ट 5 डिकेड है वो एक्सपोज किया है एक सर्टेन गैप्स। और ये जो कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करें कि जो यूनियन कैबिनेट जो है रिसेंटली अप्रूव किए हैं एक पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020, इसलिए यह टॉपिक अभी न्यूज़ में है दोस्तों। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इसलिए हम ये टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में पेस्टिसाइड का वेरियस सोर्सेस क्या है, फार्मर्स जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो केमिकल यूज कर रहे हैं जो फर्टाइल सॉइल को फर्टाइल बढ़ाने के लिए, जो बनाने के लिए और उससे ज्यादा प्रोड्यूस लेने के लिए। तो जो पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं फार्मर्स, उससे शॉर्ट टर्म्स तो उन्हें फायदा मिल जाता है, मगर वो अपने सॉइल को, फिर वो जो वेजिटेबल्स या फ्रूट प्रोड्यूस होता है उनसे और उनको जब कंज्यूम किया जाता है तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है सॉइल में भी, और जो भी यूज कंज्यूमर है, जो भी प्रोड्यूस निकलता है फार्मर्स के फार्म से। पेस्टिसाइड यूजेस इंडिया में क्या हैं, कितने यूज होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इंडिया में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स का पूरे वर्ल्ड में, और मार्केट सेगमेंटेशन के साथ ये एक इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड्स और इंक्रीज हो रहा है रिसेंट पास्ट में, बढ़ते जा रहा है यूजेस और प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि 8 जो स्टेट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं 70% ऑफ पेस्टिसाइड्स जो कि भारत में यूज होते हैं। और जो अमंग्स द क्रॉप हैं जिसमें पैडी अकाउंट मैक्सिमम शेयर करता है कंजम्पशन का 26-28%, फॉलोड बाय कॉटन 18-25% कंजम्पशन होता है पेस्टिसाइड्स का, जब पैडी और कॉटन का खेती होता है भारत में तो इतने 26-28% पैडी में कंजम्पशन होता है पेस्टिसाइड्स का, और 18-20% कॉटन में। और 292 जो पेस्टिसाइड्स है वो रजिस्टर किए गए हैं हमारे देश में, और इसके अनुसार अराउंड 104 पेस्टिसाइड्स वो फिलहाल कंटिन्यू हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल, जो 104 पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं हमारे देश में उसे बैन कर दिया गया है दो से ज़्यादा देशों में पूरे दुनिया भर में। और जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है, इंडियन नेशनल जो रुपीस है 20,000 करोड़ बिजनेस इन इंडिया जो पेस्टिसाइड्स का है, 20,000 करोड़ का बिजनेस है सिर्फ
और ये तीन कंपनीज ही जो टॉप 3 कंपनीज हैं वो उनका मार्केट शेयर 57% है पेस्टिसाइड्स कंपनीज का। तो हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स यूजेस इंक्रीज करता है सॉइल पॉल्यूशन और ये हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए भी और जो भी बायोडाइवर्सिटीज होते हैं। जैसे कि कोई भी फार्मर पेस्टिसाइड्स यूज़ किया अपने फार्म में तो वो जब स्प्रेइंग कर रहा है तो वो खुद को भी इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं, जो ड्रेस होते हैं, वो हमारे किसान 99.9 यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली जैसे रहते हैं वैसे ही स्प्रेइंग करते हैं पेस्टिसाइड्स का। उसके बाद होता क्या है कि जब रेन होता है तो फ्लो होके रिवर में चला जाता है, उससे मरीन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर होती है। सोर्सेज पेस्टिसाइड पॉल्यूशन का क्या है, मेजर सोर्सेज है जो एक्सपोजर है वो है हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है, गार्डन्स और लॉन्स में यूज़ किया जाता है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस, डिसइंफेक्शन करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल पर्पस में रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, सेड ट्रीटमेंट किया जाता है पेस्टिसाइड से, फाइलिंग ऑपरेशन और क्लीनिंग स्प्रेयर के द्वारा किया जाता है, जो भी बॉक्सेस स्टोर करने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स करने के लिए रखा जाता है वो बॉक्सेस को भी पेस्टिसाइड के द्वारा क्लीन किया जाता है। पेस्टिसाइड जो रेसिड्यू है सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल का, रन ऑफ जो होते हैं जो इन अप्रोप्रिएट डिस्पोजल है पेस्टिसाइड का जो कंटामिनेट करता है ड्रिंकिंग वाटर का, पेस्टिसाइड्स वो रिमूव करता है जो लाइस होते हैं, पेस्टिसाइड ड्रिंकिंग और बाथिंग वाटर में भी यूज होता है। तो हम बात कर रहे थे कि पेस्टिसाइड्स इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्टली स्प्रेइंग के समय और इनडायरेक्टली जब हम फूड कंजम्पशन करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया या फिर जो मीट्स हो गया, हम जब मीट खाते हैं और वो एनिमल्स पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कर चुके होते हैं, हम इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं पेस्टिसाइड डायरेक्टली फ्रूट के तौर पे या फिर स्प्रेइंग के दौरान। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तो पूरा प्रीकॉशन के साथ स्प्रेइंग कर रहे हैं, मगर भारत में होता नहीं है ऐसा। इम्पैक्ट है क्या आखिरकार पेस्टिसाइड पॉल्यूशन का फार्मर में, क्या इम्पैक्ट है? एग्रोकेमिकल्स कंसीडर किया जाता है पावरफुल वेपन और मैजिक बुलेट जो डेवलप करता है कंट्री को, एनहेंस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हालांकि जो ऑब्जर्व किया गया है एग्रोकेमिकल्स सीरियस हजार्ड क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है, और जो सर्टेन पेस्टिसाइड्स है वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन को, एंडोक्राइन, ह्यूमन एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम को, जो ह्यूमन के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनको हैम्पर करता है, वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट कैंसर का। यह एडमिनिस्टर्ड किया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो यूज ना करें बिना सेफ्टी मास्क और ग्लव्स के, और जो भी अदर प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं स्प्रेइंग के दौरान ना करें बिना प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन लिए, जिससे कि पेस्टिसाइड्स ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है इनहेलेशन के द्वारा, सांस लेने के समय, डर्मल एक्सपोजर के समय, जो कि एडवर्सली अफेक्ट करता है आई को, स्किन को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि स्प्रे टाइनी पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है एयर में, और हम जब इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में चला जाता है। पेस्टिसाइड वो पॉइजनिंग करता है, कंसिस्टेंट किलर है। एक स्टेट रिपोर्ट किया गया कि 272 डेथ हुआ था 4 साल में,
कंज्यूमर में क्या है आखिरकार, फार्मर में हम देख लें कि इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है। पेस्टिसाइड्स फूड चेन को इंक्रीज करते जा रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, सॉयल और वाटर सिस्टम को भी हैम्पर कर रहा है, एक्वेटिक एनिमल को भी खाया मार दे रहा है, और जो प्लांट्स है अल्टीमेटली ह्यूमंस भी डायरेक्टली, हम मैंने जैसा ही बताया कि पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन को कैसे कंज्यूम करते हैं। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है प्रोसेस को। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं वेजिटेबल को ग्रेजुअली ग्रो करने के लिए, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में और वो कैंसर को लिंक करता है। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं वेजिटेबल्स में, जो कि डायरेक्टली एंटर हो जाता है ह्यूमन और लाइव स्टॉक बॉडीज में। एग्रीकल्चर में आखिरकार है क्या इम्पैक्ट पेस्टिसाइड्स का, फार्मर्स में देख लिए, ह्यूमंस में देख लिए, एग्रीकल्चर में देखते हैं। कंटिन्यू यूजेस के साथ पेस्टिसाइड्स डिकेड्स तक आप यूज़ कर रहे हैं तो एक ये कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली करंट जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल एग्जिस्टेंस है क्राइसिस का इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर का वो पॉल्यूट कर देगा अंडरग्राउंड वाटर, जो नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं जो हजार्डस है, खतरनाक है लाइव स्टॉक के लिए। बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट है पेस्टिसाइड्स का, उसको देखते हैं। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल होता है वाटर विद टॉक्सिक एग्रोकेमिकल्स जैसे फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, कंटामिनेटेड विद हैवी मेटल्स पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा, ये पार्टिकुलर कंसर्न है। मोनोक्रोटोपॉस पेस्टिसाइड जो कि किल करता है पॉपुलेशन बर्ड्स का यूएसए में, और ये इवेंचुअली बैन कर दिया गया। हैवी ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अगर किया जाए पेस्टिसाइड से तो वो जो पॉपुलेशन कॉज करेगा वो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिक्लाइन कर देगा, पॉपुलेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है सॉइल में उसको डिक्लाइन कर देगा। जो क्लोरोपाइरिफॉस है एक कॉमन कंटामिनेंट है अर्बन स्ट्रीम्स का, वो हाईली टॉक्सिक होता है फिश के लिए और ये जो फिश को मार भी सकता है, और ये जो पानी फील्ड्स और बिल्डिंग्स में जब दिया सप्लाई दिया जाता है तो वो भी हार्मफुल होता है, हैजार्डस होता है।
तो आखिरकार वे फॉरवर्ड है क्या, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी स्विच करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज है कि सब्सिडी के साथ केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फार्मर को स्विच करवाया जाए, जैसा कि स्टेट ऑफ सिक्किम आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत फेज आउट केमिकल्स 2024 तक करके फार्मर को स्विच करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैड शुड डाइवर्ट, गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना चाहिए जो भी अनडिजर्व सब्सिडीज हैं केमिकल फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सेक्टर की तरफ, और उन्हें असिस्ट करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए फार्मर्स को पूरे देश भर में, ताकि वो ट्रांजिशन कर पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और वो इन्हेंस कर पाए अपने लाइवलीहुड को और वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने लाइव्स को। तभी फार्मर्स की जो डेथ होते हैं पेस्टिसाइड्स कंजम्पशन से वो नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं 1% जरूर समझा पाया होंगे पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से रिलेटेड इस टॉपिक को। तो इसी तरह 1% समझने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। धन्यवाद दोस्तों। तो 1% समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको फिर से 1% वाले वीडियोज़ में आपको दे पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1% ज़रूर गुस्सा होगा दिमाग। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।
तो आखिरकार वे फॉरवर्ड क्या है, हम पेस्टिसाइड पॉल्यूशन से कैसे बचें? तो हम देखेंगे। तो एक कंप्रेहेंसिव स्टडी किया गया है और उसमें मेजर लिया गया है, स्टेप्स लिए गए हैं कि इम्पैक्ट जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो सॉइल फर्टिलिटी में और जो जनरल हेल्थ में, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर्स हैं सब्सिडी के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है, एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी पॉलिसी जो है उसे रिवाइज किया जाना चाहिए और एक न्यू पॉलिसी के साथ सरकार को आना चाहिए जो फेवर करेगा इंडियन कंडीशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज होंगे उससे रिलेटेड डिसीजन लिया जाए, पॉलिसी को चेंज किया जाए, अपग्रेड किया जाए, प्रमोशन हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, पॉलिसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए जो इंसेंटिव जो दिया जाता है पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर के पॉलिसी पे उसे कम कर देना चाहिए और जो इंसेंटिव देना चाहिए यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स में, जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट ताकि वो बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, उन्हें टेक्निकली समझा, टेक्निकली उन्हें अवेयर करवाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए टेक्निकली, जो इनेबल करेगा ताकि वो स्विच हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ लार्ज स्केल में, ताकि वो पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन एकदम लेसर रेट में चला जाए, एकदम कम से कम हो सके। लीगल एक्शन लिया जाए बैन करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूजेस और प्रोडक्शन, जैसे कि DDT में किया गया है। फर्टिलाइजर डेवलपमेंट और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसे इस्टेब्लिश कर देना चाहिए जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस सर्टिफिकेशन का, क्वालिटी चेक का, इनोवेशन और फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स का। और जो पेस्टिसाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी होगा उसे क्रिएट कर देना चाहिए, वो जो रेगुलेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और सेल करेगा पेस्टिसाइड्स जो कंट्री में। बैलेंस यूज़ होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करेगा रिड्यूस्ड वाटर कंजम्पशन, उसी समय टाइम प्रोटेक्टिंग वाटर बॉडीज होगा रन ऑफ पॉल्यूशन का, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फार्मर को अवेयरनेस बैलेंस फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए और ये स्टेप अप करके कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के साथ फार्मर्स को ये अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। ये एफर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फर्टिलाइजर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके किया जा सकता है। एक नेटवर्क बना के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके कृषि विज्ञान केंद्र में उन्हें अवेयरनेस कैंपिंग लगा के उन्हें अवेयर करवाया जा सकता है ताकि वो पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि उनका बहुत नुकसान होता है। उनको बताया जाए कि इससे उनका नुकसान कितना है, फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होता है उन्हें, उन्हें शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है और लॉन्ग टर्म नुकसान होता है उन्हें, इसलिए वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच हो, बायो फर्टिलाइजर की तरफ स्विच हो, जो भी टेक्निकली सपोर्ट का उन्हें ज़रूरत है वो सरकार मुहैया करवाएगा उन्हें।